subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं टेक्नो साहिल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्नो साहिल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं WhatsApp ग्रुप कैसे बनाते हैं और WhatsApp ग्रुप बनाने के बाद उसमें मेंबर को ऐड कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल बाय डिटेल। दोस्तों, सिंपली सा ये तो एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी को पता रहता है दोस्तों, पर दोस्तों जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि WhatsApp ग्रुप बनाने के बाद मेंबर ऐसे ऐड करें तो उनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो को अच्छी तरह से समझें तभी आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं और कैसे किस तरह से ग्रुप बनाना है सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर दबाकर और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली न्यू वीडियो देखने के लिए। हम ऐसे वीडियो आपके लिए डेली लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, चलिए हम अपना WhatsApp ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद पहले हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों उसमें अलग से मेंबर को कैसे ऐड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तो चलिए मैं अपना WhatsApp ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों WhatsApp में नया फीचर आया है टच आईडी का। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है टच आईडी का तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ जाकर आप टच आईडी इनेबल कर सकते हैं दोस्तों और आप भी उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं अपना टच आईडी से WhatsApp अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ग्रुप बना कर दिखाऊंगा WhatsApp में। दोस्तों, उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद मैं उसमें ऐड करूंगा मेंबर को कैसे ऐड करना है सारा कुछ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सिंपली सा मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं न्यू ग्रुप। दोस्तों, न्यू ग्रुप पर क्लिक कर एक ग्रुप बनाना है दोस्तों, जिसमें से मुझे बताया जा रहा है कितने मेंबर को चूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं। दोस्तों, मैं इसमें से किसी को चूज़ नहीं करूँगा, एक सिर्फ मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ इसमें और आपको मैं बताऊँगा कि अलग से मेंबर कैसे ऐड करना है WhatsApp में। तो दोस्तों, चलिए मैं एक आदमी को चूज़ कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर जो देख सकते हैं नेक्स्ट वाला बटन है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ग्रुप का नाम डाल दीजिए। मैं अपना ग्रुप का नाम कुछ भी डाल देता हूँ दोस्तों आपको बताने के लिए, जब तक कि दोस्तों वैसे मैं ग्रुप का नाम डाल देता हूँ। जैसे कि हो गया दोस्तों, यहाँ पर मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों ग्रुप मेरा क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरा ग्रुप क्रिएट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर मैं चल के आपको बताया था ग्रुप में कितने मेंबर है, अभी तो मैं आपके सामने एक ही मेंबर ऐड किया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक मैं हूं और एक और साथ में एक और बंदे को मैंने ऐड किया हूं दोस्तों, और यहां पर एडमिन मैं। दोस्तों, एडमिन को भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसे भी मैं एडमिन बना सकता हूं। दोस्तों, मैंने इस ग्रुप को बनाया है तो मैं किसी को भी एडमिन बनाकर और अपने और मैं एडमिन से हट भी सकता हूं इसमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप बनाने के बाद मेंबर को ऐड कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऐड पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर किसी को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिंपली जब मैं एक को चूज़ कर लेता हूँ किसी को भी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं किसी एक को चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये दोस्तों मैंने चूज़ कर लिया और ये मेरा ग्रुप में ऐड हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा बंदा को भी मैंने ऐड कर दिया इस ग्रुप में। दोस्तों, इस तरह से आप ग्रुप बनाने के बाद मेंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो WhatsApp ग्रुप बनाया उसका नेम और उसका लोगो सिर्फ मैं ही चेंज करूँ, कोई और ना चेंज करें, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सेटिंग। ग्रुप सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एडिट ग्रुप एडमिन सेंड मैसेज एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ पर एडिट ग्रुप एडमिन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं किसी को भी एडमिन बना सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं किसी पर टिक कर और यहाँ पर टिक कर दूंगा तो वो एडमिन बन जाएगा इस ग्रुप का। दोस्तों, तो मैं अभी बता देता हूँ कि आपको WhatsApp का नेम और पिक्चर को आप किसी बार कोई नहीं चेंज कर सकता। दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन आल पार्टिसिपेंट्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओनली एडमिन। दोस्तों, अगर आप एडमिन हैं तो आप ही चेंज कर सकते हैं, ओनली एडमिन पर क्लिक कर ओके कर देना है। सेंड मैसेज, दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप में सिर्फ आप मैसेज सेंड करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओनली एडमिन पर क्लिक कर और आप इसे इनेबल कर दें ताकि आप इस ग्रुप में सिर्फ आप ही मैसेज को सेंड कर पाए, कोई और ना सेंड करे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हर कोई मैसेज सेंड करें तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आल पार्टिसिपेंट पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर कोई मैसेज सेंड कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रुप का इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं ही चेंज करूं तो ओनली एडमिन चेंज
कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके सिवा कोई और चेंज ना कर पाए इस व्हाट्सएप का नेम और व्हाट्सएप वॉलपेपर। तो दोस्तों यही है व्हाट्सएप का डिटेल जो मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाएं और एडमिन कैसे ऐड करें और मेंबर कैसे ऐड करें अलग से दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन उस पर दबाकर और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली न्यू वीडियो देखने के लिए।